आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है। औरंगाबाद ये ऐतिहासिक शहर में ये सरकार ने हज हाउस को बनाने में 9 साल लगा दी, बजट एलोकेट करने में वक्त लगाया और अब जब बनके तैयार हो गया तो ये इसको उद्घाटन करके चालू करने के लिए तैयार नहीं है। ये ईडी सरकार अपने कामों में इतनी मशगूल है कि माइनॉरिटीज के जितने भी मसले मसाले उसके तरफ बिल्कुल ध्यान देने को तैयार नहीं है। आज हम इस आंदोलन के जरिए सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने ये हज हाउस जल्दी से जल्द नहीं खोला तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिस तरीके से हज हाउस खोलने की कोशिश की है, कल हज हाउस खोलकर हम अंदर जाएंगे। और अभी हज का सीजन चल रहा है, हजियों के अपने टूर अपने जत्थे रवाना हो रहे हैं, फिर भी ये सरकार सोई है। औरंगाबाद से जाने वाले हजियों से 88,000 रुपए एक्स्ट्रा लेने के बावजूद भी यहाँ के हजियों को अगर हज हाउस की और बाकी की फैसिलिटीज नहीं मिलती तो ऐसे सरकार का हम निषेध करते हैं, निषेध करते हैं, निषेध करते हैं। सर जब और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हज हाउस का काम चालू हो गया, 10 साल हो गए भावी विकास अघाड़ी सरकार में। हज हाउस का काम पूरा कंप्लीट हुआ, वंदे मातरम हॉल और दोनों भी हॉल बने हैं, मगर वंदे मातरम हॉल चालू हो गया और हज हाउस चालू नहीं किए, जबकि साल में 15 दिन जो हाजियों का इंतजाम के लिए पूरे मराठवाड़े के लोग औरंगाबाद में आते हैं और वहाँ पे हज के लिए इंतजाम होना चाहिए, इन्होंने हज हाउस नहीं खोले। हमने इनके लिए निवेदन दिए माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से, जिला माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से, शहर माइनॉरिटी कांग्रेस से, शहर कांग्रेस की तरफ से, औरंगाबाद जिला कांग्रेस की तरफ से। इन्होंने यहाँ पे काफी अच्छे से आंदोलन किया है और हम चाहते हैं हाथी चक्कर हाथ किसका ऊपर सरकार है, जिन्होंने जल्द से जल्द हज हाउस चालू करना, क्योंकि 8 से 9 साल हो गए ये हज हाउस चालू नहीं करे। यहाँ से हमारे हाजियों को 88,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, फिर भी यहाँ पे सरकार प्रशासन कोई भी यहाँ पे सहूलत देने को तैयार नहीं है। बाकी ये जो हज हाउस और वंदे मातरम बना है ये महाराष्ट्र की संस्कृति और यहाँ पे वंदे भाव के हिसाब से ये प्रतीक है। ये जो भाषण कर रहे हैं ये सरासर गलत है। इन्होंने सिर्फ सबका साथ, दो लोगों का विकास और जनता का विश्वासघात किया है और हम आरोप करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ईडी सरकार के मुख्यमंत्री जिसके मंत्री है उनको टाइम नहीं है जनता के इस हज हाउस को चालू करने के लिए। हम निषेध करते हैं, औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी इस सरकार का और ये प्रशासन का निषेध करती है। इस बार हमको प्रशासन ने विनंती करी, बोलकर हम अभी हमारा आंदोलन थोड़ा अभी पुलिस हमको अरेस्ट कर दिया, हम आंदोलन हमारा यह करे 15 दिन के अंदर, अगर 15 दिन के अंदर अगर ये हज हाउस का ओपनिंग मुख्यमंत्री नहीं किया तो हम कायदा भी हाथ में ले लेंगे और ये हज हाउस हम चालू करके रहेंगे। Hello!
आंदोलन जवळपास 2014 मध्ये काँग्रेस सरकारने या हज हाऊसच्या कामाची सुरुवात केली. 2014 व 2023 असा जवळपास 7 ते 8 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला. हज हाऊस तयार होऊन जवळपास 2 वर्षे झाले. वंदे एकीकडे बाजूला वंदे मातरम सभागृह आहे. वंदे मातरम सभागृहाचं उद्घाटन या राज्याचे मंत्री पाटील चंद्रकांत पाटील हे करतायत आणि दुसरीकडं या हज हाऊसला जाणीवपूर्वक उपेक्षित ठेवण्यात येत आहे. त्याच्या मागं या सरकारची कुठंतरी धर्मांध अशी मानसिकता दिसून येते. काँग्रेस पक्ष हा सर्व धर्मियांना सोबत घेऊन चालणारा पक्ष आहे. त्यामुळे आज काँग्रेस पक्षाने या हज हाऊस उघडण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी याला आम्हाला थांबवण्यात आलंय. त्याच्यानंतर आम्ही परत 15 दिवसाचा कालावधी सरकारला देत आहोत. 15 दिवसात जर हज हाऊस उघडलं नाही रितसरित्या परत काँग्रेस 15 दिवसानंतर आक्रमक आंदोलन.